फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टू एम में। काफी बच्चों का ये बहुत बड़ी समस्या है, फॉर योर सबमिट इन्फॉर्मेशन देयर इज नो स्कीम अवेलेबल। जी हाँ, लास्ट डेट यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है बच्चों का। कल काफी स्कीम का लास्ट डेट यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है, तो उसके बारे में बात करूंगा। नो स्कीम क्यों आता है, कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिल जाएगी। इसलिए पेशेंस बना के वीडियो कंप्लीट देखना। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एनएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो ये हमारी एनएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो कल काफी से डेट स्कीम एक्सटेंड कर दिया गया है यहाँ पे, जिसमें डेट बताए तो एक बार सेंटर सेक्टर स्कीम में डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो कल काफी से स्कीम का किया गया है यहाँ पे, देख लीजिए 15/11/2022 प्री मैट्रिक का क्लोज हो चुका है, 30/11/2022 को यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक माइनोरिटीज का क्लोज हो चुका है। जो माइनोरिटीज वाले बंदे हैं उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर आपके इंस्टीट्यूट वेरीफाई नहीं हुआ है, अपने कॉलेज जाके 15/12/2022 से पहले पहले अपने वेरीफाई करवा लीजिए। आज हो चुका 10 तारीख, मतलब 5 दिन बचे आपके पास, अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो करवा लीजिए, नहीं तो फॉर्म आपका अटक जाएगा, आगे वेरीफाई होगा ही नहीं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से 31/12/2022 से पहले फॉर्म को वेरीफाई करवा लीजिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे डेट के बारे में। तो डेट में यहाँ पे स्टेट स्कीम का बढ़ा दिया गया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे 30/12 तक डेट कर दिया गया है, और अम्ब्रेला में 10/12 तक डेट है, मतलब आज इसकी लास्ट डेट 10/12/2022 स्कीम, और इसका 10/12/2022 लास्ट डेट है। देखना होगा कि इसके बाद डेट एक्सटेंड होता है नहीं, अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करें तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई डेट बढ़ने की बात। अब सर बताइए, सर नो स्कीम प्रॉब्लम क्यों आता है, उसको ध्यान सुनिए। देखो, काफी बच्चे ऐसे हैं कि नो स्कीम प्रॉब्लम 2-3 स्कीम में ही देखने को मिलता है। या तो आप सेंटर सेक्टर स्कीम अप्लाई करते हैं, सेंटर सेक्टर स्कीम कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन वाला, मैं दिखाता हूँ। सेंटर सेक्टर स्कीम में कई बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसकी लास्ट डेट 31/12/2022। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका सीएसएस में नाम होना जरूरी है। आप सीएसएस क्या बोला है, सीएसएस क्या होता है, जैसे आपका नया सेशन स्टार्ट होता है कॉलेज स्कूल में, नया सेशन जब स्टार्ट होता है आपका, तो आपका बोर्ड के द्वारा, जो आप स्टेट बोर्ड, जैसे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के होंगे, वो स्टेट बोर्ड के द्वारा आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। अगर आप मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं, आपका नाम वहां दिखता है मेरिट लिस्ट में, तभी आप यहाँ पे सेंटर सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप और कॉलेज यूनिवर्सिटी भर सकते हैं, मतलब सी एस स्कीम के भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है, जो बच्चे इनका नाम नहीं आता, वो बच्चे भी इसको अप्लाई करने जाते हैं, तो इसमें नो स्कीम प्रॉब्लम शो करता है। और एक और प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंड्स, जैसे कि आपका स्कॉलरशिप है, जैसे आप मान चलो बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं सपोज जाए, और आप ढूंढते हैं कि हमें एनएसपी स्कॉलरशिप में ऐसा अमाउंट मिल जाए, 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिल जाए, उसको आप ढूंढने लगते हैं। आप कहीं से भी, आपने सोशल मीडिया के जरिए आपको पता लग गया कि यूजीसी आईसीटी ऐसा स्कीम है जिसमें आपको 50,000, 50,000, 70,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं कि सर मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ ईशान उदय स्कॉलरशिप में। ठीक है, तो मैं भैया मैं बता देता हूँ, ईशान उदय स्कॉलरशिप में 50,000, 50,000, 60,000, 70,000 तो मिलते हैं, लेकिन ये केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए है। आप यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे साफ चीजें, ईशान उदय स्कॉलरशिप स्पेशल फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे जैसे असम हो गया, यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट साइड के बंदे हैं उन्हीं ही अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, आगे बात करता हूँ, जैसे मान के चलो काफी सारे बच्चे हैं जो AICT में भर देते हैं फॉर्म, जैसे 50 स्कॉलरशिप से मिलता है, तो AICT वाले कौन भर सकते हैं, जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई बीटेक कर रहा हो, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस से कर रहा हो, जो मतलब इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो फॉर्म को कर सकते हैं, चाहे प्रगति का हो, सक्षम का हो, चाहे स्वर्णा स्कॉलरशिप का हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आप एनएसपी में किसी गलत स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को, या गलत डिटेल आपने भर दिया, आपकी परसेंटेज मैच नहीं हो रही है उसको भरने लायक, तो तब भी आपका नो स्कीम यहाँ पे शो करता है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन यही है कि जिस भी स्कीम के लिए आप चाहते हैं मैं अप्लाई करूं, उसकी पहले तो गाइडलाइन पढ़िए। गाइडलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, गाइडलाइन रिगार्डिंग में सारी वीडियो बना रखा है एक डिटेल, अगर आप डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, 3 महीने पहले पुरानी वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे है। जैसे आप मान के चलिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट अप्लाई करना चाहता हूँ, इसमें गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस पे जैसे क्लिक करेंगे ना, इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लिखा जाता है, आपके फैमिली की इनकम कितनी होनी चाहिए, तभी जाके आपका कहीं ना कहीं स्कीम शो करेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया। सबसे पहले गाइडलाइन पढ़िए, उसके बाद फिर आप एनएसपी फॉर्म अप्लाई कीजिए। एनएसपी का फॉर्म अप्लाई डेट है पोस्ट मैट्रिक स्कीम 31/12/2022 लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपने फॉर्म अप्लाई कीजिए, चाहे आपका फ्रेंड्स है, चाहे आपकी सिस्टर है, चाहे आपका ब्रदर है, आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, चाहे आप एलिजिबल है अभी, तो फॉर्म को पहले गाइडलाइंस पढ़िए, एलिजिबल देखिए, उसके बाद फिर आप स्कीम में फॉर्म लगाइए, तभी जाके आप फॉर्म स्कॉलरशिप पा सकते हैं।